मुझे छत्तीसगढ़ी थोड़ा नहीं आता है तो मैं हिंदी में बात करूंगी। हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सरायपाली विधानसभा क्षेत्र से श्री किस्मत लाल लंदन, मैं उनकी सुपुत्री हूँ और मैं अभी सिविल जज की परीक्षा देकर आई हूँ। मैं अपने पिताजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि वो डीएसपी के पद पर आसीन थे। वो पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा पद होता है, उसमें रहकर वो सरकार की सेवा करते हैं। वो एक सरकारी अधिकारी थे, पर हमारी सरकार इतनी झूठी है, उन्होंने इतने झूठे वादे किए हैं। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन हमारी सरकार जो 15 साल से राज कर रही है, उन्होंने किसानों के लिए ही कुछ नहीं किया, जो कि मूलभूत जड़ है हमारे छत्तीसगढ़ की, हमारे किसान भाई। हमारे 15 साल के बीजेपी के शासन में 14,000 लगभग किसानों ने आत्महत्याएं की है, जो बहुत ही निराशाजनक है। तो मेरे पिताजी ने ठाना कि मुझे ऐसी सरकार की सेवा नहीं करनी है, और वो जन सेवा करने के लिए उन्होंने इस्तीफा देकर आप लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में उतर आए हैं, और उनको आप लोगों की सेवा करनी है, और आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। वो किस्मत लाल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, किस्मत भैया जिंदाबाद, 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 पंजा साहब जिंदाबाद, 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 पंजा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है, और मैं इस आशा के साथ आई हूँ कि आप सब हमको सहयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट देकर किस्मत लाल लंदन जी को विजयी बनाएंगे और उन्हें मौका देंगे कि वो आप लोगों की सेवा कर पाए। धन्यवाद। जय जोहर।